इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर और अतराब की अहम खबरों में सबसे पहले वजीर दाखिला यानी गृह मंत्री अमित शाह बेलगाम तशरीफ ला रहे। भाजपा या फिर मोदी हुकूमत छोटे से चुनाव में भी कितनी संजीदगी से तवज्जो देते हैं इसको समझने की जरूरत है। भले कुछ काम करे या ना करे पर काम करने की नौटंकी जरूरी होती है। लिहाजा हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में यह तस्वीर पूरा देश देख चुका है। अब बेलगाम लोकसभा और कॉर्पोरेशन चुनाव दोनों ही तकरीबन साथ में ही होने हैं, तो सीधा वजीर दाखिला बेलगाम आ रहे। वैसे वक्त और माहौल दोनों भाजपा के हक में ही दिखाई दे रहा है। भले कुछ काम करे या ना करे पर साम दाम दंड भेद के जरिए चुनाव जीतने का हुनर भाजपा वालों ने अच्छी तरह से हासिल किया हुआ है। क्या रहेगा इनका बेलगाम दौरा, मुख्तसर तफसीलात ये है। 17 जनवरी को बेलगाम शहर में वजीर दाखिला की आमद हो रही है, लिहाजा पूरे शहर में उस दिन ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होने जा रहा है। आवाम के लिए तकरीबन रास्तों को बंद किया जा रहा है। नेहरू स्टेडियम में इनका आवामी इजलास होगा। रानी चन्नम्मा सर्कल, आरटीओ सर्कल, नेहरू नगर सर्कल, कोल्हापुर सर्कल पूरे दिन के लिए सवारियों की नकलो हरकत पर पाबंदी रहेगी। चन्नम्मा सर्कल से सिविल अस्पताल और आजम नगर की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद रहेगा। वजीर दाखिला 16 और 17 दो दिन कर्नाटक के दौरे पर होंगे। बेंगलोर, शिमोगा, बागलकोट होते हुए ठीक दोपहर 1 बजे बेलगाम सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां 1 से 3 बजे तक आराम करेंगे। 3:30 से 4 के दरमियान केली काहेर हाईटेक सेंटर के इफ्तिताह को अंजाम देंगे। 4 बजे जनसेवक समावेश में आवाम से खिताब करेंगे। 5:30 बजे सुरेश अंगड़ी के घर जाकर घर वालों से मुलाकात करेंगे। 6 बजे होटल संगम पहुंचेंगे। 7 बजे तक मीटिंग में शिरकत रहेगी। 7:30 बजे फिर दिल्ली को वापसी होगी। शहर और अतराब में वजीर दाखिला अमित शाह के आमद पर काफी पुलिस बंदोबस्त किया हुआ है। खास तौर पर आला पुलिस अफसर के तौर पर मोहतरमा सीमा लाटकर को भी मधु किया गया है। चुनाव आते हैं तो सियासी कायदे अपना रंग भी तब्दील करने लगते, लिहाजा एक बार फिर रमेश जारकवाड़ी और सतीश जारकवाड़ी में आरएसएस को लेकर बहस मुबासा जारी है। इस कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं है कि रमेश जारकवाड़ी पहले किस पार्टी में थे और इनका सियासी सफर कहां से शुरू हुआ। लिहाजा रमेश जारकवाड़ी ने साफियों के सामने बयान देते हुए कहा था कि वो खुद ओरिजिनल जनसंघी है, यानी आरएसएस की चड्डी पहनकर बड़े हुए हैं। अब इसे क्या कहा जाए समझ में नहीं आता कि गोका गांव में जब इनके हम उम्र लोगों से पूछने पर पता चलता है कि ये कभी आरएसएस के थे ही नहीं। इस बात की तस्दीक इन्हीं के भाई और कांग्रेस का एक सतीश जारकवाड़ी करते हुए कहते हैं कि हमें खुद ताज्जुब लग रहा है कि रमेश जारकवाड़ी कब आरएसएस के थे, हमें मालूम ही नहीं। लिहाजा रमेश जारकवाड़ी ने आरएसएस की टोपी तो पहने कभी नहीं देखा, लेकिन मुसलमानों की टोपी पहने हमने देखा, ऐसा कहते हुए इनकी तस्वीर भी जो है उन्होंने सहाफियों के सामने पेश की। वाजह रहे कि रमेश जारकवाड़ी जब से भाजपा में शामिल हुए हैं अपने आप को आरएसएस के हिमायती साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर गोका के अक्सर लोग इससे इत्तफाक नहीं रखते। सतीश जारकवाड़ी जो इनके भाई हैं, इनका कहना है कि गोका के पत्रावली नामी खानदान के लोग जनसंघ से ताल्लुक रखते थे। इनका सोने का दुकान था, कभी वाले दिन के दुकान जाया करते थे। जारकवाड़ी खानदान के किसी भी फर्द का आरएसएस या गोवा इनकलाब से कतई ताल्लुक नहीं। दोनों भाइयों के बयान शहर और अतराब में बहस का मौजू रहे, क्योंकि एक भाई अपने पूरे खानदान को आरएसएस साबित करते हुए बचपन से ही संघ की आधी चड्डी पहनने की दलील दे रहे, तो दूसरा भाई उसे मुसलमानों के हिमायती कहकर संघी होने की बात को रद्द कर रहा है। खैर, हकीकत तो गोका की आवाम ही बेहतर जानती है कि रमेश जारकवाड़ी संघ के थे या मुस्लिम हिमायती थे। वही रमेश जारकवाड़ी ने सतीश जारकवाड़ी को अपना जहनी तवाजन खो रहे का। अब कौन जहनी तवाजन खो रहा है समझ में नहीं आ रहा, पर इस तरह के बयानबाजी से आवाम का जहनी तवाजन खोने की नौबत आई है, ऐसा भी कहा जाए। टेम्पो ट्रेवलर और टिप्पर हादसे में 11 अफराधों की मौत, धारवाड़ के तिगट्टी गांव के नजदीक हुआ भयानक हादसा। हादसा देखने वालों का दिल दहल गया। तकरीबन 11 अफराध इस हादसे का शिकार हुए। इस तरह की बड़ी वारदात शायद करीब में हुई नहीं थी। हासिल इत्तला के मुताबिक दावनगिरी से गोवा की तरफ जाते वक्त धारवाड़ के नजदीक यह हादसा रूमा हुआ। 10 लाशों को सड़क पर पड़े देखकर दिल दहल रहा था। तकरीबन 6 अपराध अस्पताल में जेर इलाज हैं, जो शदीद जख्मी हुए। धारवाड़ पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। इस हादसे की वजह से सड़क पर ट्रैफिक काफी देर तक जाम थी। वाजह रहे इस हादसे पर वजीर आजम मोदी ने भी ट्वीट कर अफसोस जताया।
आज सोशल मीडिया पर एक छोटी वीडियो क्लिप वायरल हुई है कपिलेश्वर रेलवे गेट से पीबी रोड की तरफ रेल पटरियों से मोटरसाइकिल चलाते हुए जाते नौजवानों को देखा गया, जहां मोदी हुकूमत बुलेट ट्रेन के वादे आवाम से कर रही है तो आवाम ने शायद फैसला कर ही लिया है कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से क्यों ना रेल पटरियों पर मोटरसाइकिल ही चलाई जाए। वाकई बेलगाम शहर हादसों का, वारदातों का और अजीब हरकतों को अंजाम देने वाला शहर कहा जाए तो गलत ना होगा। रेल पटरियों पर गाड़ी चलाने की तस्वीर अक्सर फिल्मों में देखी जाती थी, पर बेलगाम में ये हकीकत में चलाते हुए देखी गई। खैर, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।